केक लेने गया था रावत बेकरी पे, इतनी भीड़ हो रही, इतनी ज्यादा भीड़ फ्रेंड्स हो रहा है देखो। बाकी लक्की बेटा सामने आ गए, ये तुम्हारा संजय शूट में ना। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। बड़े होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। गाइस आज है पापा का बर्थडे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना हैप्पी बर्थडे पापा, तो मेरे पापा का बर्थडे है। तो आज हम प्लान बना रहे हैं कहीं घूमने फिरने के लिए। पहले जाके रावत बेकरी से केक लेके आते हैं। केक लाने के बाद देखता हूँ पहले केक मिलता कौन सा है, क्योंकि पापा को फ्रूट केक पसंद है। अब फ्रूट केक मिलेगा या बटर स्कॉच जो भी मिलेगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आज मदर्स डे भी है तो हैप्पी मदर्स डे भी लिख देना। मान लिया व्लॉग लेट आएगा, उस टाइम पर नहीं आएगा, लेकिन लिख देना क्या हो गया, अपनी माँ समझ के मेरी माँ के लिए लिख देना, ठीक है। और पापा का लिख देना हैप्पी बर्थडे। और बाकी इसको ही सोचते घूमने फिरने के जाने के लिए सोच रहे हैं हम। बाकी हम सोच प्लान बन रहा है मूलचंद जाने का। मूलचंद पराठा है ना आपका, दिल्ली में जाके तो वहाँ सोच रहे हैं, वहाँ जाए नहाऊंगा दूंगा। अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं, अभी टाइम हुआ नहीं है। मतलब केक ला के रख लेता हूँ अभी, और केक कटिंग करेंगे पापा का, उसके बाद निकलेंगे मूलचंद। मूलचंद ये कहाँ जाते हैं अभी पता कंफर्म कुछ नहीं है, जहाँ भी जाएंगे आपको ब्लॉक में दिखा देंगे। क्योंकि अभी हरिद्वार और ऋषिकेश हो गया है ना, तो इतना खाली है बाहर का, मन नहीं कर रहा, तो सोचे कुछ हल्का फुल्का मिल जाए खाने के लिए, वही खा के अपन निकलेंगे फटाफट। बस अब चलता हूँ फटाफट मुँह धो के अपना केक लेने के लिए, और उसके बाद पापा आएंगे केक कटिंग करेंगे। केक कटिंग करने के बाद सीधा घूमने के लिए चलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और गाइस केक लेने गया था रावत बेकरी पे, इतनी भीड़ हो रही, इतनी ज़्यादा भीड़ पूछूंगा तो, क्योंकि आज मदर्स डे है ना, तो इतने चक्कर में वहाँ पर केक है ही नहीं। भैया कह रहे 1 घंटा लगेगा आने केक वेक मिलने में, तो मैं देख रहा हूँ कि मिले ना मिले कोई दिक्कत ना हो जाए, चक्कर में हमें निकलना भी है, फिर टाइम भी नहीं बचा, तो मैं ऑनलाइन केक ऑर्डर कर दिया। अब ऑनलाइन आएगा वो, उसमें भी 1.5 घंटे की वेटिंग दिखा रहा है, 1.5 घंटे में केक आएगा। चलो कोई नहीं, पहली बार मतलब हमेशा रात बजे से केक मंगवाते हैं, आज पहली बार हमने ऑनलाइन मंगवाया है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा क्या नहीं होगा। चलो कोई नहीं, अब जो केक आया केक काटेंगे, मतलब मम्मी का भी उसमें कटवा दूंगा और पापा का उसमें केक कट जाएगा। बस अब देखो 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा केक के लिए, अब केक आएगा फिर खाएंगे। कोई नहीं, पोपट हो गया थोड़ा, आज हमेशा होता है। पिछले बर्थडे में क्या हुआ था, पापा हम सब पिछली बर्थडे में पापा के वृंदावन गए हुए थे, तो वृंदावन के टाइम पे लक्की का रिजल्ट आया था, लक्की पास हुआ था, तो चक्कर में हमने केक काटा था लक्की का भी पापा का भी। और इस बार क्या मदर्स डे आ गया तो हमेशा पापा के साथ कोई ना कोई केक जरूर कटता, कोई साथ में जरूर काटता, तो वही सीन हो गया। और कोई ना कोई फेस्टिवल होता तो बड़े पंगे होते हैं। चलो कोई नहीं, अब करेंगे जैसे भी होगा, केक आए फटाफट अब केक काटने के। ओ गाइस केक आने वाला है, मतलब 1 मिनट में दिखा रहा आ जाएगा, देखो किधर रह गया, मैं वही देख रहा हूँ। ऑनलाइन केक तो मैंने पहली बार मंगवाया है, वैसे ऑफलाइन मतलब अपनी बेकरी से केक लेकर आता था, लेकिन आज पहली बार मंगवाया है, देखते केक के साथ है। तो उसी का वेट करो, दिखा तो रहा है, 2 मिनट में पहुंच गया, किधर है पता नहीं, आए जल्दी। और ये आ गया गाइस केक हमारा, बैठो वाला ये आ गया, लेते केक लेते फटाफट। और ये आ गया केक, ये आपका बेकरी देखें से, बस हम चलते हैं केक अंदर लेके अंदर। केक आपका देखो कैसा लग रहा है, मेल्ट हो रहा है देखो, बाकी मेल्ट नहीं है लगता ऐसे ही शायद, क्योंकि हम रखते हैं इसको फ्रिज के अंदर, जब पापा आएंगे तब के कटवाएंगे फिर। बार पापा का केक कटिंग कर लिया और मम्मी का भी कर लिया, मतलब मम्मी नानी पापा तीनों ने एक साथ केक काट लिया था। मदर्स डे का भी हो गया और पापा का बर्थडे का भी हो गया। अब निकल रहे हैं अपना मूलचंद की तरफ, खा के आएंगे वहाँ पर फटाफट खाना जाके, क्योंकि खाना वाना खाने का प्रॉपर मन कर नहीं था। तो मूलचंद में क्या होता है, तुम्हारे अमृत से कुलचा वगैरह बोलता है, कुलचा नान वगैरह, तो वो खाएंगे अपना बेस्ट। और शहर चलते हैं गाड़ी की तरफ फटाफट। इस मूलचंद पहुँच चुके हैं, गाड़ी हमें लगा दी पीछे पार्किंग में, अब चल रहे अपना आगे की तरफ, मतलब घर वाले तो आगे चले गए हैं, पहुँच गए मूलचंद। हम खाएंगे आराम से बैठे कुछ ना कुछ अपना, भूख भी बहुत जोर लग रही है, शाम से कुछ खाया नहीं है मैंने, एक तो केक के चक्कर में बहुत परेशान हो गया था, कुछ खा नहीं पाया। लकी है पीछे दोनों वाइट वाइट में सेट, मम्मी भी वाइट पे थी, मम्मी भी दोनों वाइट पर, बस खाते फटाफट अपना और खा के चलता रही, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत है यार, बहुत भीड़ आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो भाई भीड़ कितनी हो रही है, ये तुम्हारा मूलचंद आ गया, ये तुम्हारा संजय शूट में ना, घर वाले का बैठ गए हमारे जाके, अजय खड़े, भीड़ कितनी हो रही है देखो यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पीछे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। देखते संजय छोटे छोटे नान भाई बैठेंगे, लेकिन भीड़ इतनी है, अब लेना पड़ेगा ऑर्डर कैसे देना पड़ेगा। हो गया ऑर्डर तो हो गया हमारा, 3 प्लेट करा दिया हमने, बस आने वाला है, आ जाएगा मैं थोड़ी देर में, बस चलिए चलते अंदर की तरफ बैठेंगे, भीड़ बहुत। होगा जी आगे थाली हमारी, एक पनीर वाली, ये आलू प्याज और अभी गोभी, थाली बहने फटाफट हम सारे मिलके, मम्मी आ रही, पापा आ रही, नानी आ रही, लक्की आ रहा।
खाएंगे फटाफट थाली खाली खाली आगे। खाना तो हो गया, पेट इतना टाइट हो चुका है पूछो मत, लेकिन रेट पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब पहले आपको होता था 200 रुपये करीब का, अब हो गए 250 रुपये के दो नान, अलग तरह के होते हैं। मैं तो आपको दिखाऊंगा मेन्यू एक बार, इनका मेन्यू दिखाऊँ आपको तो क्या क्या फ़र्क है। आगे घर वाले कहाँ बैठे हैं उनको दिखाता हूँ। नानी बैठी लक्की बैठा तो बैठे यहाँ पे पागल से चिल्ला रहा है। यहाँ पे कहते हैं बहुत तरह की भाई, यहाँ पे ना बहुत तरह की लस्सी मिल जाती है। हाँ देखो हर फ्लेवर की लस्सी मिल जाएगी, और कटलेट वगैरह पुडिंग वगैरह सब मिल जाएगा, वेज वगैरह लस्सी बहुत तरह की यहाँ पे दिख रहा है, हर तरह के रेट वेट सब लिखे। और बाकी गाइस आप कॉल करके बता सकते हो मेन्यू क्या रेट है बैठे प्रॉपर देख लेना। इस थोड़ा बहुत यहाँ घूम रहे हैं अपना देख रहे हैं, फलूदा खाने का मन कर रहा है, लेकिन इसे फलूदा नहीं, इसमें सारी लस्सी वस्सी है और चाहे रबड़ी वगैरह, रबड़ी भी अच्छी लगती है लेकिन पता नहीं मुझे, लेकिन फलूदा खाने का मन कर रहा है। जो अपने होता है ना जो नोएडा में होते हैं हर जगह पहन वाले, ऐसा दिल्ली में मिलेगा नहीं, अब देखते हैं फिर जाते खाने वाने के लिए। चलो गाड़ी पर गाड़ी की तरफ चलते हैं फिर। और गाइस घूमते फिरते हम सोच रहे हैं कि इंडिया गेट की तरफ आ जाए, आ तो गए लेकिन जाम बहुत हो रहा है, यहाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, क्योंकि संडे है ना आज, चक्कर में कोई जगह नहीं है खड़ी करने की। सोच रहा हूँ कि अब यहीं से आपको इंडिया गेट दिखा दूँ, खड़ा हो पाओ तो बढ़िया है, इसे मुश्किल है खड़ी करने गाड़ी यहाँ पे, कि पार्किंग है नहीं इधर इस साइड। ये देखो गाइस ये देखो कितना जाम हो रखा है, बहुत दूर दूर तक जाम है पूरा, और आपका इंडिया गेट ये रहा सामने। अब पास जाता हूँ, पास जाके थोड़ा बहुत दिखाता हूँ इंडिया गेट, क्योंकि साइड तो बहुत ज़्यादा जाम है, पूरा दिखा रहा लाल इस साइड निकलने का। वापस घर के अगर रास्ता डाल दिया मैंने, यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने का कई जगह नहीं है दूर दूर तक, देखते हैं कैसे करते हैं। बाकी इंडिया गेट आपका ये रहा, और गाइस ये रहा आपका इंडिया गेट सामने दिख रहा होगा, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है साइड आपका, पूरे में जाम जाम लगा हुआ है साइड भीड़ में। और अगर तो अपने इंडिकेटर तो आ गए हैं, ये रहा गाड़ी खड़ी करने की जगह मिली गई है कोने पे, लेकिन बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, पुलिस वाले कभी भी आगे हटा सकते हैं कभी भी, पसीने से कितना आ गया जाम में, इतना बुरा हो गया। ये आपका पीछे इंडिकेटर, ये रहा इंडिकेटर दिख रहा है आपको, ये वाला इंडिकेटर आपको। चलो मेरे घर वाले थोड़ा बहुत घूम के आ जाए देख लेंगे। और गाइस वहाँ से तो घूम कर आ गए हैं, मतलब इंडिया गेट से घूम कर आ गए हैं, कुछ नहीं बस एटीएम से कुछ आया था पैसे निकालने के लिए, अब जा रहा हूँ घर की तरफ। इस व्लॉग का नहीं एंड करते हैं, आई होप आपको बढ़िया व्लॉग लगा होगा, और जिसने कमेंट नहीं किया कमेंट जरूर कर देना हैप्पी बर्थडे पापा, और हैप्पी मदर्स डे मम्मी को है, ठीक है। आपको मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय टेक केयर, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आपको मिलते हैं और तगड़े व्लॉग से, बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल।